हेलो फ्रेंड्स, फाइनली रेलवे के द्वारा एनटीपीसी के लेवल 235 का आंसर की जारी कर दिया गया है और फ्रेंड्स मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने अपना आंसर की चेक भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स अधिकांश अभ्यर्थियों के मार्क्स की बात करें तो उनका मार्क्स जो है वो 70-80 के बीच में स्कोर रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स उनके मार्क्स के आधार पर मैंने बंगलोर जोन का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है और साथ में इस कट ऑफ को बनाने के लिए मैंने लेवल 6 और लेवल 4 का जो कट ऑफ मार्क्स दिया था उसको भी आधार बनाया है। तो फ्रेंड्स लेवल 4 और लेवल 6 के कट ऑफ मार्क्स के आधार पे और साथ में विद्यार्थियों के द्वारा जो प्राप्त मार्क्स है लेवल 235 का उनको आधार बना करके मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है और इसी के अराउंड जो है फ्रेंड्स आपका इसी के लमसम आपका कट ऑफ जो है वो फाइनल के लिए जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स बेंगलोर जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। देखिए फ्रेंड्स जो मैंने ये कट ऑफ तैयार किया है वो आउट ऑफ 120 है। ये बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि ये कट ऑफ जो है वो 100 के ऊपर लगाया गया है। देखिए फ्रेंड्स 120 के ऊपर है, नॉर्मलाइजेशन होने के बहुत ही कम चांसेस है क्योंकि काफ़ी कम शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। टोटल 15 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, 12 से लेकर के आपका 12, 13, 14 की बात करें तो टोटल इन दिनों में 2-2 शिफ्ट एग्जाम हुआ तो टोटल 6 शिफ्ट यहाँ पे और 15, 16, 17 की बात करें तो 3-3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो 3-3 या 9 शिफ्ट वहाँ पे तो टोटल 15 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स। और उन्हीं के मार्क्स के आधार पे मैं आपको ये कट ऑफ तैयार किया हूँ और आपका जो है वो इसी के लमसम कट ऑफ रहा गया। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या रहने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स गुड्स गार्ड का। ठीक है, गुड्स गार्ड की बात करें तो ये लेवल 5 का पोस्ट है और इसके अंदर आपका CVD 2 के बाद फाइनल सिलेक्शन होना है। यहाँ पे ना तो टाइपिंग टेस्ट होगा और ना ही आपका साइको टेस्ट होने वाला है। अगर UR की बात करें फ्रेंड्स तो UR का 75-80, SC का 60-65, ST का 55-60, OBC का 65-70 और EWS के डिग्री का 62-69 के बीच अगर स्कोर आ रहे हैं फ्रेंड्स कार्ड छाट के नेगेटिव मार्किंग करके तो निश्चित तौर पे आपका फाइनल के अंदर सिलेक्शन होना है। अगला पोस्ट है फ्रेंड्स जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो ये लेवल 5 का पोस्ट है, इसके अंदर टाइपिंग होना है। टाइपिंग में 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और यहाँ पे कट ऑफ की बात करें फ्रेंड्स तो थोड़ा सा कम जरूर जाएगा बट अब फाइनल में जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर के चले। जैसे मैंने UR का बनाया है 73-78 तो 78 यहाँ पे मैक्सिमम है तो आप मैक्सिमम लेके चले फ्रेंड्स, फाइनल के अंदर आपका मैक्सिमम मार्क्स ही सिलेक्शन होगा। तो देखिए UR का 73-78, SC का 58-63, ST का 53-58, OBC का 63-68, EWS का 60-67 रहने की संभावना बनती है। अगला पोस्ट है फ्रेंड्स सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी आपका लेवल 5 का पोस्ट है, इसके अंदर टाइपिंग होना है। टाइपिंग में 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यहाँ भी फाइनल मेरिट के लिए जो मैक्सिमम मैंने कटअप बनाया है वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। UR की बात करें फ्रेंड्स तो 77-82, SC का 62-67, ST का 57-62, OBC का 67-72, EWS की डिग्री का 63-68 इतने आ रहे हैं फ्रेंड्स तो आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन फाइनल के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आपका CVD 2 के बाद फाइनल सिलेक्शन होना है। इसके अंदर ना तो आपका साइको टेस्ट होगा और ना ही इसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। कट ऑफ देख लेते हैं फ्रेंड्स UR के कैटेगरी के हैं तो UR का 74-79, SC का 59-64, ST का 54-59, OBC का 64-69 और EWS कैटेगरी का 61-68 रहने की संभावना बनती है। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये पोस्ट लेवल 3 का पोस्ट है, इसके अंदर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन दोनों के अभ्यर्थी शामिल हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे कटअप जरूर ज़्यादा जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे CVT 2 के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। इसके अंदर ना तो आपका साइको टेस्ट होना है और ना ही टाइपिंग टेस्ट होना है। UR की बात करें फ्रेंड्स तो 76-81, SC का 61-66, ST का 56-61, OBC का 66-71, EWS कैटेगरी का 63-70 के बीच में स्कोर रहने की संभावना बनती है। अगला पोस्ट है फ्रेंड्स अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये लेवल 2 का पोस्ट है, इसके अंदर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन दोनों के अभ्यर्थी शामिल हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स टाइपिंग होना है। टाइपिंग में 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। फाइनल में फ्रेंड्स सिलेक्शन के लिए जो मैंने मैक्सिमम कट ऑफ तैयार किया है उस कट ऑफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। UR की बात करें तो 78-83, SC का 63-68, ST का 58-63, OBC का 68-73, EWS का 65-72 के बीच में रहने की संभावना बनती है। अगला है फ्रेंड्स आपके सामने जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट।
जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका रेसिबिलिटी 2 के बाद टाइपिंग होना है, ये लेवल 2 का पोस्ट है। इसके अंदर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन दोनों के अभ्यर्थी शामिल है। तो यहाँ पे यूआर की बात करें फ्रेंड्स, तो टोटल 79 to 82 के बीच में रहने की संभावना बनती है। एससी का 64 to 67, एसटी का 57 to 64, ओबीसी का 67 to 72 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 64 to 71 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। अगला पोस्ट है फ्रेंड्स ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क की बात करें फ्रेंड्स, तो ये लेवल 2 का पोस्ट है। इसके अंदर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन दोनों के अभ्यर्थी शामिल हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स सीबीटी 2 के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। इसके अंदर ना तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और ना ही इसके अंदर आपका साइको टेस्ट होगा। कट ऑफ की बात करें फ्रेंड्स, तो यूआर का जो है वो 77 to 82, एससी का 62 to 67, एसटी का 57 to 62, वहीं ओबीसी कैटेगरी का 67 to 72 और ईडब्ल्यूएस का 64 to 71 रहने की संभावना बनती है। और फ्रेंड्स एनटीपीसी से जुड़ी किसी प्रकार का क्वेरी हो, समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर प्रयास करूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।